समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार और सीरम इंस्टीट्यूट ने सर्वाइकल कैंसर के लिए देसी टीका विकसित किया है। पेश एक रिपोर्ट। महिलाओं को होने वाले दूसरे सबसे बड़े कैंसर में सर्विकल कैंसर जो है वो सबसे आगे है और पहले नंबर पर। हम आपको बताएं कि ब्रेस्ट कैंसर की वजह से महिलाओं को जान गंवानी पड़ती है। इस टीके के आ जाने से सर्विकल कैंसर की बीमारी से बचाव में आसानी होगी। हर साल सर्विकल कैंसर की अगर बात की जाए तो उसमें 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आते हैं और वहीं 67,000 के करीब मौतें हो जाती हैं। लेकिन इस वैक्सीन के बचाव से अब कहीं ना कहीं एंटीबॉडीज बनेंगी हमारे शरीर में। ये वैक्सीन सस्ती होगी। इस वैक्सीन को 9 से 14 साल की उम्र की जो बच्चियां हैं उन्हें दिया जाएगा। ये वैक्सीन कारगर होगी और सर्विकल कैंसर से बचाएगी। अगर ये बच्चियों को दी जाती है तो इन्फेक्शन से 30 साल बाद तक का बचाव होगा और कैंसर नहीं होगा। सर्वाइकल कैंसर का टीका आज नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि कोविड टीके के बाद केंद्र सरकार की ये बड़ी पहलकदमी है। समथिंग न्यू टू द वर्ल्ड ऑफ मेडिसिन एज मच एज अबाउट क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी एगो वी केम अक्रॉस अ हाइपोथेसिस कॉल्ड इन्फ्लेमेटरी हाइपोथेसिस कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एथेरोस्क्लेरोसिस which took everybody back because earlier you thought it was just atherosclerosis happening, but somebody was saying no, it's inflammatory. And then you also started linking dental caries to heart attack. If you had a bad tooth, it could contribute to heart attack. So it's not something new that we are discussing. It's been there. Hepatitis C leading on or predisposing to the cancers of liver.